आज के ज़माने में सभी को इंटरनेट का ज़रूरी है। आजकल क्लास स्कूल पर भी इंटरनेट का ज़रूरी है। आजकल डिजिटल इंडिया हो गया और हमारे हर सब्जेक्ट पर हर चीज़ में इंटरनेट का ज़रूरी है। पढ़ाई हर चीज़ में हम लोग का अभी इंटरनेट से ही होता है, इसलिए यहाँ के लोग, यहाँ के जो यूथ हैं, उन्होंने इंटरनेट के लिए सुविधा के लिए डिमांड किया गया है। यहाँ के गांव में अगर कुछ मेडिकल केस भी हो जाता है, अपना फैमिली को कॉल करने के लिए भी इनके पास इंटरनेट नहीं होते। इस कारण उल्लू के इस गाँव के फैमिली को या बच्चे को इंटरनेट की वजह से कितना को तकलीफ झेलना पड़ता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नेहा बर्तन। अरुणाचल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपर सियांग जेइंग विलेज पर आई हूं। यहां के जो गेकु कातान इंटेलेक्चुअल यूथ है, उन्होंने आज यहां पर मास मीटिंग रखा गया है। क्यों रखा गया है, आइए हम पूछते हैं। सो आज हम लोग यहां पे जेइंग आईवी PWD IB में हम लोग एक मास गैदरिंग मीटिंग कंडक्ट किया गया है विथ कोलाबोरेशन all Jeru Student Union, all Sibum Student Union, all Gekku Student Union. तो सभी collaboration होके हम लोग आज यहाँ पे एक meeting conduct किया। तो अभी आप देख सकता है सभी यहाँ पे जितने भी association है कातान circle के अंदर में, सभी का presidents, all executive members अभी यहाँ पे है। सभी को मैं mention नहीं कर पाऊँगा। So आज का जो meeting करने का मुद्दा यही था कि जैसे कि आप लोग देख रहा होगा कि गेकु कातान सर्कल में अभी नेटवर्क्स नहीं है, 2G है कातान में, लेकिन नहीं होने का बराबर है और इंटरनेट का तो टोटली जीरो है। इसी रिगार्डिंग हम लोग गेकु कातान इंटेलेक्चुअल यूथ फोरम और ऑल सिबुम स्टूडेंट यूनियन का तरफ से बहुत बार गवर्नमेंट का ग्रीवेंसेस दिया मीडिया का थ्रू और ऑफिशियली वर्क में एप्लीकेशन का थ्रू हम लोग बहुत बार सबमिट किया, लेकिन भी स्टिल अभी तक कुछ भी रिजोल्यूशन में नहीं आ रहा है, अभी तक कुछ भी इंस भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी सिलसिले में हम लोग आज यहाँ पर मीटिंग कंडक्ट किया। सरकार ने यहाँ पर मतलब आप लोग से वादा किया था कि यहाँ नेटवर्क लगा देगा, इंटरनेट लगा देगा, सरकार ने उसे पूरा किया? नहीं, तीन महीना से उन लोग बोला था कि 3 महीना के अंदर में कुछ इनिशिएटिव ला देगा, लेकिन भी अभी तक गवर्नमेंट का तरफ से 0 इंच, अभी तक कुछ भी एक भी इनिशिएट स्टार्ट नहीं हुआ। ये चीज़ में हम लोग बहुत बार फिर से रिमाइंड भी किया गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, तो अभी तक उन लोग का तरफ से कोई एक्शन नहीं है। तो आप लोग का ये मूवमेंट कब से चल रहा है? ये मूवमेंट हम लोग 2015-16 से ही हम लोग ये मूवमेंट को कर रहे हैं ये इशू को, लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से और अदर एजेंसीज का तरफ से कोई अभी तक एक्शन नहीं है। जिससे कि आप लोग का कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो आगे आज का जो मीटिंग है इसके द्वारा आप लोग फ्यूचर एक्शन क्या लेगा? तो आज हम लोग मीटिंग में रिजोल्यूशन में आ गया, सभी एसोसिएशन का लीडर जितना भी है हम लोग मिलके डिसीजन लिया आज का मीटिंग में। तो फर्दर एक्शन हम लोग ऑलरेडी, जैसे कि आप लोग को पता है, रैली ऑलरेडी हम लोग गेकु टाउन में कंडक्ट कर चुका है, तो इसमें भी कोई एक्शन नहीं है। एप्लीकेशन का थ्रू, ऑफिस वर्क का थ्रू हम लोग बहुत बार किया, इसमें भी कोई एक्शन नहीं है। तो अभी हम लोग डिसीजन लिया है कि फुट मार्च गेकु तो यिंकियोंग करेगा और वो डेट अभी हम लोग फिक्स करके रखा है, लेकिन अभी हम लोग अपडेट नहीं करेगा। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग उसको इंटीमेशन दे देगा, ऑफिशियल वर्क का थ्रू, रिटेन का थ्रू, सब कुछ हम लोग दे देगा। जैसे कि यहाँ 5-6 गांव है, जैसे यहाँ से सिले से लेके कातान तक, तो आप लोग नेटवर्क के इंटरनेट के लिए जो मांगा गया, क्या सिंगल सिंगल से मांगा गया ना एक मांगा गया? नहीं, हम लोग यहाँ पे आप एक बात आप समझिए, यहाँ पे सिंगल सिंगल में हम लोग कोई डिमांड नहीं किया, सभी कोलाबरेट होके जेरु, उसका बाद सिली, जेइंग, पादु, कातान, सिबुम, ये सब मिलके एक साथ डिमांड कर रहा है। अगर आप ये सब गौर कर लीजिए ये बात, ये इंटरनेट और नेटवर्क अगर कातान सर्कल में, कातान टाउन में लगाता है, तो एंटायर जितना भी कातान सर्कल का अंदर में आता है, इंक्लूडिंग पादु विलेज को भी ऑटोमेटिकली कवरअप हो जाता है। इसीलिए हम लोग मिलके चाहे एक जहाँ भी हो कातान में एक पोस्ट, एक जैसे भी नेटवर्क लगाना पड़ेगा, हम लोग का वही डिमांड है और सभी बस्ती का एक साथ मिलके डिमांड कर रहा है, अलग अलग से डिमांड नहीं कर रहा है।